सेल मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो अभी आपके सामने जो है वो फॉर्म दिखाई दे रही है, ये सेल की तरफ से जो है वो रिसेंटली नोटिफिकेशन आई है, और इसमें जो है वो अराउंड 249 सीट्स हैं। तो इसके बारे में जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप जो है वो EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो EWS कैटेगरी के लिए जो है वो 10% रिजर्वेशन होता है। तो वो आपको रिजर्वेशन कैसे अवेल कर सकते हो उसके बारे में बात करेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन डू सब्सक्राइब द चैनल। तो देखो यहाँ पे जो है आपको टोटल पोस्ट दिखाई दे रही है 249, जिसमें जो है वो अगर आप EWS की सीट्स देखोगे तो EWS की सीट्स यहाँ पे टोटल जो है आपको 24 सीट्स है। अब इसके लिए क्या कर चाहिए, आपके पास जो है वो एक वैलिड EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखो इसके लिए जो है वो आप अगर नीचे आओगे तो गाइडलाइंस में अगर आप देखोगे तो सीधा जो है वो कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है कि कब से पहले, कितना दिन से पहले आपका जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके सर्टिफिकेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन अगर आपको नहीं पता है कि सर्टिफिकेट इसके लिए कब तक का चाहिए होगा या फिर आप कैसे बनवा सकते हो, तो देखो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ा वीडियो को थोड़ा अंत तक देख लेना। अब देखो यहाँ पे जो है वो ये वाले आप क्लॉज में आओगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि पहली बात कि आप जो भी अपना कैटेगरी एक बार फिल कर देते हो फिर वो बाद में चेंज नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है वाइल फॉर्म फिलिंग, तभी जो है वो आप जो है वो अप्लाई करना विथ EWS। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो फिर आप नहीं अप्लाई करना, या फिर आप कुछ दिन वेट कर लो जब आपका सर्टिफिकेट बन जाए फिर अप्लाई करना, वरना बाद में जो है वो अगर EWS कैटेगरी आपका नहीं हुआ, EWS सर्टिफिकेट नहीं हुआ, तो फिर आप जो है वो रिजर्वेशन अवेल नहीं कर पाओगे। तो इस बात के लिए आप रिस्क बिल्कुल मत लेना। ओके, अब देखो इसमें जो है वो बात आती है कि आपका सर्टिफिकेट कब तक का बना होना चाहिए। तो यूजुअली यहाँ पे डेट कोई भी मेंशन नहीं है, लेकिन ये जो आपका इसमें सिलेक्शन है ये 2024 के बेसिस पे हो रही है, गेट 2024 के बेसिस पे। तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद बना हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, मीन्स आपका जो सर्टिफिकेट है अगर आप पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने बनवाया है तो फिर वो भी आपका सर्टिफिकेट चल सकता है, या फिर आप जो है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद भी अगर आपने सर्टिफिकेट बनवाया है तो ये भी चलेगा। यूजुअली जो है वो ये 2 साल का सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेड रहता है। बेटर हो कि आप जो है वो अगर नया सर्टिफिकेट आपने नहीं बनवाया है तो आप एक नया सर्टिफिकेट बनवा लो, अगर आप जो है वो क्योंकि हो सकता है कि अदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जब बारी आएगी तो फिर आपसे जो है वो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो अगर आपके पास पुराना वाला सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, पुराना वाला सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप न्यू वाला सर्टिफिकेट भी बनवा लो जितना जल्दी हो सके। और इसके लिए जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट मैं आपको दिखा दूँ, तो ये जो है वो एक पेज का ऐसा ही फॉर्मेट रहता है। तो इस फॉर्मेट में जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है, तो ऐसा ही फॉर्मेट पे आपको सर्टिफिकेट भी देना है। और यहाँ पे जो है आप देखोगे कि यहाँ पे जो फाइनेंशियल वैलिड ईयर है, तो ये वैलिड ईयर अगर आप जो है वो 1/4/2024 के बाद बनवा रहे हो तो ये आपका वैलिड ईयर 2024 से 2025 लिखा रहेगा। और नीचे में जो फाइनेंशियल ईयर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है वो वैलिड ईयर आपको पता हो चल गया कि अगर आप 1/4 के बाद बनवा रहे हो तो क्या होगा, और वही अगर अपना सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे इसमें जो फाइनेंशियल ईयर होगा, ये फाइनेंशियल ईयर का भी कॉलम है, तो यहाँ पे 2023 से 2024 होगा, और जो वैलिड ईयर है 2024 से 2025 होगा। तो ये जो है वो बात समझ लो, अगर आपका सर्टिफिकेट बाद में बनता है 1 अप्रैल 2024 के। ओके, और अगर आपका सर्टिफिकेट जो है वो इससे अलग होता है, मीन्स आपने अपना सर्टिफिकेट अगर 1/4/2023 के बाद बनवाया है और 31/4/2023-24 के पहले बनवाया है, इन दोनों डेट्स के बीच में बनवाया है, तो उस केस में आपका जो वैलिड ईयर है वो 2024 रहेगा, और जो फाइनेंशियल ईयर है 2022-2023 रहेगा। ओके, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने सर्टिफिकेट, दोनों तरीके का सर्टिफिकेट आपके पास रह सकता है, तो जिस भी तरीके का सर्टिफिकेट है आपके पास आप उससे अप्लाई कर देना। और अगर आपके पास दोनों में से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आप सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते हो तो आप जो है वो जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना विथ UR। ओके, और गेट में भी आपको जो है वो UR चूज़ किया हो तो भी आपको जो है वो अप्लाई करना है, और अगर आप EWS कैटेगरी से हो तो गेट स्कोर कार्ड में भी जो है वो आपने UR का, और UR के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स EWS का जो है वो कट ऑफ ये सब क्लियर रहना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो सेल में तो आपके मार्क्स जो है वो काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन EWS कैटेगरी गेट में भी रहे तो बेटर है। ओके,
सो आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गई होगी बात। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको नहीं पता है कि EWS सर्टिफिकेट कैसे बनवाया जाता है, तो एक मैंने जो है वो वीडियो बना दिया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो है वो देख सकते हो। उस वीडियो को पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया है कि आप अपना सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हो।